हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइस, आज की वीडियो में मेट्स क्लास का सोशल साइंस का एग्जाम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन राज्यों के नाम बताएं जहां पर भारत में घुमंतू पशुपालन आम है। तो कौन से हैं, घुमंतू पशुपालन कहां पर होता है, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में। ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। सेकेंड क्वेश्चन इज, विश्व में जनसंख्या का वितरण डैश है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज डैश अनइवन। ओके, मतलब बराबर नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मारुति उद्योग किस क्षेत्र का उद्योग है, मारुति उद्योग इज एन इंडस्ट्री ऑफ विच सेक्टर। तो ये जॉइंट सेक्टर का एक उद्योग है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, द फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी फसल सुनहरे रेशे के लिए जानी जाती है, विच क्रॉप इज नोन फॉर गोल्डन फाइबर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, जूट को, फाइबर को गोल्डन रेशा बोला जाता है, मतलब सुनहरा रेशा। नेक्स्ट, एक क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड प्रवास, मतलब माइग्रेशन। जो एक क्षेत्र से अंदर के और बाहर के लोग जो हैं आवाजाही, मतलब आते जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन टाइप, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानांतरित खेती का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। ओके, नेक्स्ट, बैंगलोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बैंगलोर इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रौद्योगिकी, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नाइन्थ क्वेश्चन इज, 1999 में विश्व जनसंख्या तक पहुंच गई, डैश तक पहुंच गई। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड अप टू डैश 6 बिलियन, मतलब 6 अरब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाला कारक, द फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, आंसर ऑल ऑफ द अबव। देन बागवानी का क्या अर्थ है, व्हाट डज हॉर्टिकल्चर मीन, फल और सब्जियां उगाना, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन बाय विच नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। ओके, विटीकल्चर को ही अंगूर की खेती कहा जाता है। नेक्स्ट, 13th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक गतिविधि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। सो आंसर इसका हो जाएगा उद्योग, मतलब इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ब्राज़ील है। नेक्स्ट, विश्व का द स्पेयर्स पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, तो कौन सा है इसका, अमेरिका। ठीक है, जनसंख्या वाला विश्व का सरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है अमेरिका। कौन सा देश विश्व में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला चाय उत्पादक का हिस्सा नहीं है, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 17th इज, अहमदाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई थी। पहली सूती मिल अगर आप लोगों को पता हो तो बनी गई थी 1859 में। ओके, कच्चे माल का लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द कन्वर्जेशन ऑफ द मटेरियल इंटू प्रोडक्ट्स हायर वैल्यू ऑफ टू पीपल कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी चीज़ को बनाना, विनिर्माण करना किसी चीज़ का। ओके, नेक्स्ट, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, विच कंट्री हैज़ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या, केन्या की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, कौन से कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है, विच फैक्टर अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये था 8th क्लास का सोशल साइंस का एग्जाम। तो आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी आपके मन में डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अफसर ऐप से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ आ रही हो, हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स का कोई शॉर्टकट आपको जानना हो, कोई बेसिक जानना हो, ग्रामर का कोई रूल हो, टेंसेस हो या फिर हिंदी की मात्राएँ हो, सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो एक बार बेसिक ज्ञान की को विजिट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।